नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसको DDA के नाम से भी जाना जाता है, आने वाले कुछ समय के अंदर, मतलब बीते जो दिन हैं, DDA कुछ ज़्यादा काम नहीं कर पाई, लेकिन आने वाले समय में DDA दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी 14,000 फ्लैट्स की बिक्री का काम करने वाली है। इन फ्लैटों में कुछ फ्लैट ऐसे होंगे जिनकी अगर प्राइस की कीमत की बात की जाए तो कुछ बिल्कुल सस्ते होंगे और प्राइम लोकेशन पर स्थित होंगे। इन फ्लैट्स की अगर बात करें, दिल्ली विकास प्राधिकरण अगले कुछ दिनों के अंदर 14,000 फ्लैट को लॉन्च करने का काम करने वाला है। ये फ्लैट दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर होंगे, दिल्ली में हर जगह पर ये फ्लैट्स होंगे। इन अगर बात करें इन फ्लैट्स की, ये अलग अलग लोकेशन पर बढ़ाकर तैयार किए गए हैं। कुछ NCR के क्षेत्रों से लगते फ्लैट हैं और कुछ मीडियम दिल्ली के अंदर भी हैं। इनकी लोकेशन की अगर बात करें, अगर आप दिल्ली के अंदर भी एक अफोर्डेबल घर चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर अगर घरों की बात करें, ज़मीन की बात करें, तो काफ़ी महंगी ज़मीन दिल्ली के अंदर आपको देखने को मिलती है, लेकिन एक सस्ते घर का सपना अगर आप लेना चाहते हैं तो दिल्ली के अंदर DDA द्वारा लॉन्च होने वाले ये जो 14,000 फ्लैट्स हैं, इनमें आप भी आवेदन करके एक सस्ता और अच्छा अफोर्डेबल घर खरीद सकते हैं। अगर बात करें, DDA ने आम लोगों की रेंज को ध्यान में रखते हुए इन फ्लैट्स का निर्माण करने का भी काम किया था, जिससे आसानी से लोग इनको खरीदने का काम कर पाए। बता दें, ये फ्लैट्स वे फ्लैट्स हैं जो पुरानी योजनाओं के अंदर DDA बेचना चाहता था, लेकिन ये बिके नहीं। इन फ्लैट्स में जो कमियां थी, जो खामियां इनके अंदर दिखाई गई थी, उनको DDA ने दूर करने का काम किया है और पिछली बार की तुलना में एक बार फिर से ज़मीन के रेट को कम करने का, या इन फ्लैट्स का जो रेट है उसको कम करने का काम DDA द्वारा किया गया है। अगर फ्लैट्स की रेंज की बात की जाए तो DDA द्वारा फ्लैट्स की रेंज को काफ़ी हद तक घटाने का काम किया गया है, क्योंकि अब से पहले भी DDA इन फ्लैट्स को लॉन्च कर चुका है। इनमें कुछ फ्लैट्स रोहिणी एरिया में, कुछ फ्लैट्स द्वारका एरिया में, ख़ास तौर पर बात करें सोनीपत के एरिया से टच होते बवाना साइड के एरिया में भी कुछ फ्लैट्स देखने को मिलते हैं। इन फ्लैट्स की अगर बात की जाए, 14,000 फ्लैट्स इनकी कुल संख्या है और DDA ने एक प्रोग्राम के तहत दोबारा से इनको लॉन्च करने का काम किया है। अब बात करते हैं DDA द्वारा लॉन्च किए गए फ्लैट्स की कीमत के बारे में, और DDA द्वारा कुछ विस्तृत रिपोर्ट को हमने निकालने का काम किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार DDA 1957 से ही लगातार ऐसे काम कर रहा है जिससे दिल्ली की पब्लिक को कंट्रोल किया जाए और दिल्ली के एरिया को इस तरीके से बढ़ाया जाए कि दिल्ली में भीड़ भाड़ होते हुए भी लोगों को सारी सुख सुविधाएं मिल पाए। इसके लिए बात करें, DDA के मैनर के अनुसार यहां पर इससे पहले भी 5,000 फ्लैट्स और घरों को लो इनकम, जिनकी कम इनकम होती है, उन व्यक्तियों को देने का काम किया गया था। इनमें अगर बात करें, दो ग्रुप्स को डिवाइड करने का काम किया गया था। लो इनकम ग्रुप को LIG कहा गया था और जिनकी जो मीडियम इनकम होती है, मिडिल इनकम ग्रुप को MIG, और जो ज़्यादा इनकम होती है उन्हें हाई इनकम ग्रुप HIG कहा गया था। अगर रेजिडेंशियल यूनिट की बात करें तो नरेला, द्वारका और जसोला में सबसे ज़्यादा 14,000 फ्लैट्स की संख्या होने वाली है, और यहाँ पर एशिया की सबसे बड़े रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को रोहिणी के 3,497 हेक्टेयर लैंड को भी अलग करने का काम किया गया था। दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA की अगर बात करें, DDA ने द्वारका को एक सब रेजिडेंशियल यूनिट के रूप में भी स्थापित करने का काम किया था। यहाँ पर बात करें तो 12,000 यूनिट्स को बनाने का काम किया गया था, जिनमें कैंपस, स्कूल, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल, फ्लाईओवर्स इत्यादि को भी बनाने का काम किया गया था। अगर DDA की बात करें तो DDA मार्केट को भी बनाने का काम करता है, मार्केट को स्टैब्लिश करने का भी काम DDA द्वारा किया जाता है।
अब ये जो 14,000 फ्लैट जिनका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, इनमें कुछ फ्लैट्स के रेट की कीमत काफ़ी कम होने वाली है और कुछ फ्लैट्स के रेट की कीमत काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। अगर मेन तौर पर बात करें तो आप इसके लिए DDA की वेबसाइट पर टाइम टू टाइम जाकर चेक करते रहें ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। अब इन फ्लैट्स के रेट की बात करते हैं, जैसे पिछले दिनों की संख्या की बात करें तो जसोला की लोकेलिटी के एरिया में एक फ्लैट 3 BHK का था जिसमें कुल फ्लैटों की संख्या 182 थी और एरिया इन स्क्वायर मीटर की बात करें 162.41 से लेकर के 177.26 मतलब 162.41 स्क्वायर मीटर से लेकर के 177.26 स्क्वायर मीटर तक के फ्लैट्स यहाँ थे। और यहाँ पर अगर इनकी कॉस्ट की बात करें 1,97,00,000 से लेकर के 2,14,00,000 रुपए तक की इनकी कॉस्ट रखी गई थी। इसके अलावा वसंत कुंज ब्लॉक एफ क्लस्टर 1 एंड ब्लॉक ए क्लस्टर 4 के अंदर 3 BHK HIG मतलब हाई इनकम ग्रुप, समझ लीजिए आप लोग, हाई इनकम ग्रुप के लिए जो फ्लैटों की संख्या थी उनका रेट ज़्यादा होता है। MIG मीडियम इनकम ग्रुप का रेट मीडियम होता है और लो इनकम ग्रुप का रेट कम होता है। तो हाई से लेकर हम लो ग्रुप तक जाएंगे तो पूरी वीडियो को देखते रहें। यहाँ पर अगर बात करें 18 फ्लैट्स थे जिनमें 128.52 स्क्वायर मीटर से लेकर के 141.13 स्क्वायर मीटर तक के यहाँ एरिया था। और कॉस्ट की बात करें 1,40,00,000 से लेकर के 1,70,00,000 रुपए की यहाँ की कॉस्ट थी। ये हाई इनकम ग्रुप जिनकी कमाई ज़्यादा है उन व्यक्तियों के लिए जो ग्रुप बनाया गया है उनकी कीमत थी। अब पश्चिम विहार 1 फ्लैट द्वारका सेक्टर 18B1 फ्लैट, ये कुल 2 फ्लैट थे, 101 पश्चिम विहार के अंदर और एक द्वारका सेक्टर 18B के अंदर 3 BHK हाई इनकम ग्रुप के लिए। इन फ्लैटों की बात करें 94.96 स्क्वायर मीटर से लेकर के 139 नीचे वाला, मतलब बात करें द्वारका वाला 139.06 स्क्वायर मीटर का था, जिनमें अगर पश्चिम विहार वाले फ्लैट की बात करें तो 81.76 लाख रुपए यहां पर इसकी कीमत थी। और अगर 139 स्क्वायर मीटर वाले की बात करें तो 1,26,00,000 रुपए इसकी कीमत थी। अब आ जाते हैं हाई इनकम ग्रुप के बाद द्वारका सेक्टर 19B के अंदर मीडियम इनकम ग्रुप के लिए 2 BHK का फ्लैट था जिसके 300 फ्लैट की इनकी कुल संख्या थी 120 स्क्वायर मीटर से लेकर के 132 स्क्वायर मीटर तक इनका एरिया था। और इनकी कीमत की बात करें 1,14,00,000 रुपए से लेकर के 1,24,00,000 तक इनकी कीमत थी। द्वारका सेक्टर 16 के अंदर इसी प्रकार 177 फ्लैट जिनकी कीमत 1,16,00,000 से लेकर के 1,27,00,000। वसंत कुंज के अंदर 2 BHK फ्लैट की बात करें मीडियम इनकम ग्रुप के लिए 6 फ्लैट्स थे जिनकी स्क्वायर मीटर 85 से लेकर 92 तक था और 85,00,000 रुपए से लेकर के 91,00,000 रुपए तक की इनकी कीमत रखी गई थी। इसके साथ ही द्वारका सेक्टर 1, 2 सेक्टर 12 और 19 के अंदर 2 BHK के 8 फ्लैट्स थे जिनमें 75 स्क्वायर मीटर से लेकर के 109 स्क्वायर मीटर तक के थे जिनकी कीमत 67,00,000 से लेकर के 96,00,000 रुपए तक की थी। जहांगीरपुरी 2 BHK मीडियम इनकम ग्रुप के लिए 7 फ्लैट्स जिनकी संख्या 67 से लेकर के 100 स्क्वायर मीटर तक के थे और इनके रेट की बात करें तो 50,00,000 रुपए से लेकर के 65,00,000 रुपए तक का इनकी कीमत थी। द्वारका सेक्टर 23B के अंदर लो इनकम ग्रुप, अब ध्यान दीजिए, जो बिल्कुल सस्ते में खरीदना चाहते हैं जिनकी इनकम कम है उनके लिए 7 फ्लैट्स थे जिनमें 33 से 34 स्क्वायर मीटर का एरिया था और 24,00,000 से लेकर के 25,00,000 रुपए इनकी कीमत थी। रोहिणी सेक्टर 16, सेक्टर 20, सेक्टर 21, सेक्टर 22, सेक्टर 28 और सेक्टर 29 में लो इनकम ग्रुप के लिए 27 फ्लैट्स आवंटित करने का काम किया गया था जिनमें 43 स्क्वायर मीटर से लेकर के 49 स्क्वायर मीटर तक का एरिया था और जिनकी कीमत 20,00,000 से लेकर के 41,00,000 रुपए तक की थी। रोहिणी सेक्टर 34 और 34 के अंदर 2,003 फ्लैट्स थे जिनमें 43 से लेकर 49 स्क्वायर मीटर का एरिया था और इनकी कीमत मात्र 14,00,000 रुपए थी। नरेला सेक्टर A9, A10 और B2 के अंदर LIG लो इनकम ग्रुप के लिए 11 फ्लैट्स थे जिनकी स्क्वायर मीटर 42 से 53 स्क्वायर मीटर था
और अगर प्राइस की बात करें 18 लाख से लेकर के 21 लाख रुपए थी। अब नरेला सेक्टर G8 के अंदर 1223 फ्लैट से 33 से 34 स्क्वायर फीट मीटर के और 18 लाख रुपए इनकी कीमत थी। इसी प्रकार ये कीमत घट बढ़ गई। अब नरेला सेक्टर A1 के अंदर बात करें A4 पॉकेट 1A 1B और पॉकेट 1C के अंदर EWS जो जनता एक स्पेशल एरिया रहता है, स्पेशल जोन रहता है लोगों की क्वालिटी के अकॉर्डिंग, उसमें 5033 फ्लैट्स की संख्या थी जिनमें 47 से 54 स्क्वायर मीटर एरिया और कीमत की बात करें तो 11 लाख रुपए मात्र से लेकर के 12 लाख रुपए फ्लैट्स की कीमत थी। अब इसी प्रकार नरेला सेक्टर पॉकेट 4 और 5 के अंदर बात करें सेक्टर G7 EWS JNTA 551 फ्लैट्स थे जिनमें 36 स्क्वायर मीटर का एरिया और फ्लैट्स के रेट की बात करें तो मात्र 10 लाख रुपए फ्लैट्स का यहां पर रेट था। इसी प्रकार लॉन्च होने वाले जो 14,000 फ्लैट्स हैं जो कि DDA द्वारा लॉन्च किए जाएंगे, उनमें 3 क्वालिटी के फ्लैट्स रहने वाले हैं जिनमें हायर इनकम क्वालिटी, मीडियम इनकम क्वालिटी और लोअर इनकम के फ्लैट्स रहने वाले हैं जिनमें लोअर की कीमत की बात करें 10 से 12 लाख तक मिनिमम और मीडियम के मिनिमम की बात करें तो मीडियम का मिनिमम 40 से 45 लाख और जो हाई क्लास है उसके अगर मिनिमम की बात करें तो 70 से 72 लाख रुपए से ये फ्लैट स्टार्ट होंगे और इनमें मैक्सिमम की कीमत की बात करें हायर क्वालिटी के अंदर तो वो 2-2.5 करोड़ तक जा सकती है। मीडियम क्वालिटी के अंदर अगर बात करें हायर रेट की जो मीडियम इनकम के जो लोग हैं उनके लिए बात करें तो कम से कम 1.5 करोड़ तक पहुंच सकती है और जो लो इनकम जिनकी कम इनकम है और जो फ्लैट्स खरीदना चाहते हैं उनके लिए मैक्सिमम अगर कीमत की बात करें मिनिमम 10 लाख रुपए और मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पर 60 से 70 लाख रुपए तक में आपको यहाँ पर फ्लैट्स मिल सकता है। तो आप भी आने वाले समय में DDA की वेबसाइट पर टाइम टू टाइम चेक करें और अपने सपनों का घर लेने के लिए DDA की वेबसाइट से संपर्क करते रहें और फॉर्म जरूर अप्लाई करने का काम करें जिसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे अगर आप फ्लैट खरीदना चाहते हैं तो अगर आप कैटेगरी के अंदर फ्लैट्स खरीदना चाहते हैं तो लो इनकम सर्टिफिकेट जिसमें आपकी इनकम कम शो हो रही है या आपकी इनकम को प्रूफ देने वाला जो सर्टिफिकेट होता है कि आपकी इनकम असल में कम है, इन प्रूफ समेत कुछ जो आइडेंटिटी होती हैं उन समेत आप लोगों को डॉक्यूमेंट कार्यालय में जमा कराने होंगे या इनकी वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। उसके लिए किसी सेपरेट वीडियो के माध्यम से हम बताने का काम करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम ज़रूर करें। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।